चलिए फ्रेंड्स, आ गया है फिर से संडे। और संडे के दिन हमारे घर क्या बनता है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, पूरा काम करते हुए मुझे 3:30 बज चुके हैं। सुबह का नाश्ता वगैरह, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन सब मुझे करना पड़ता है। और फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर उठी 4 बजे। 4 बजे मैंने अपनी कंघी वगैरह की, थोड़ा सा तैयार हुई मैं, और फिर मुझे बनाना था खाना। तो सुबह नाश्ता किया था तो इन लोगों को भूख लग रही थी, बोले जल्दी जल्दी खाना बनाओ, तो अब मैं जाऊंगी खाना बनाने। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा फ्रिज के पास कंघी क्यों करती हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं फ्रिज के पास कंघी क्यों करती हूँ। हमारा घर काफ़ी छोटा है, ऐसे तो ऊपर बना हुआ है लेकिन हम लोग ऊपर यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग नीचे ही रहते हैं। तो बस 2 ही कमरे का हमारा घर है नीचे, बाकी ऊपर 3 मंजिला बना हुआ है। तो मैं किसी दिन आपको मेरे घर का होम टूर करवाऊंगी, तो चैनल पर बने रहें आप। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा कांच यानी कि ड्रेसिंग जो जिसे कहते हैं वो यहीं पर है। ये देखिए, यहाँ मेरी एक अलमारी है जिसमें कांच लगा हुआ है। तो यहीं पर हम लोग तैयार होते हैं, कंघे वगैरह करते हैं। चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। तो ये देखिए, मैंने दाल को गलाकर रखा था पहले से ही, अरहल की दाल है ये। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च और हरा धनिया और टमाटर, नमक, हल्दी वगैरह डाल के इसको ढक्कन लगा के 3 सीटी ले लूंगी दाल की, ताकि दाल हमारे अच्छे से गल जाए। और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल बाटी। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे यहाँ संडे के रोज़ नॉनवेज बनता है, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो नॉनवेज वगैरह नहीं बन सकता है, इसलिए मैं बनाऊंगी दाल बाटी। तो आप बने रहें वीडियो पर और देखें कि मैं किस तरह से बनाती हूँ दाल बाटी। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ अभी सब लोग सो रहे हैं, दोपहर के जो सोए 2 बजे के, तो अभी तक नहीं उठे हैं। और मैं उठकर अपने काम पर लग गई हूँ, लेकिन थोड़ा आलस आलस सा आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना चाय भी बनाकर पी ली जाए। तो यहाँ मैं दाल तो चढ़ा ही दूँगी, साथ में अपने लिए चाय भी बना लूँगी। तो मैं जब तक चाय नहीं पीती हूँ तब तक मुझे कुछ काम समझ में नहीं आता है, अगर चाय पी लो तो मूड फ्रेश हो जाता है। तो ये देख लीजिए, मैंने चाय भी चढ़ा दी है। मैं सोच रही हूँ सबके लिए चाय चढ़ा दूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद सब लोग उठने ही वाले हैं, तो वो लोग भी चाय मांगेंगे, फिर से मुझे चाय उनके लिए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, मेरे चाय पत्ती का डब्बा खाली हो गया था, इसको मैंने धो के रखा था। शक्कर और चाय पत्ती दोनों के डिब्बे मैंने धो के रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी भर लिया जाए। संडे के दिन ऐसे ही सब काम चलता है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है, वो सब लोग घर पर रहते हैं तो थोड़ा मेरा हाथ बंटवा देते हैं, पंखे वगैरह साफ़ करवा देते हैं हमारे पति देव। तो ये देखिए, चाय बनकर रेडी हो चुकी है मेरी, तो मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और इन लोगों के लिए ढककर रख दूँगी, जब ये लोग उठेंगे तब इन्हें भी दूँगी। तो ये देखिए, 5 से 10 मिनट में ये लोग उठ कर अपनी अपनी चाय पीने लग गए और मैं भी यहाँ अपनी चाय पीने लग गई हूँ। अब हम लगा लेते हैं बाटी का आटा। तो ये देखिए, नमक डालूंगी बाटी के आटे में, हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी, इससे बहुत ही टेस्टी बनती है बाटियाँ हमारी। थोड़ा सा खस्ता बने इसलिए मैं डालूंगी इसमें सोडा खाने का। वैसे तो इन्हें बाफले कहा जाता है लेकिन हम लोग बाटी बोलते हैं। मोयन के लिए डालूंगी तेल, तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है हमें। अच्छे से इसका आटा लगा लेंगे मिक्स करते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में बताया करें कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद है, तो हम आपके लिए उसी तरह के वीडियोस लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा किचन कितना छोटा है और इसी छोटे से किचन में मुझे 3,500 फैमिलीज़ का प्यार मिलता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली इसी तरह बढ़ती रहे। अब हम इधर पर रख देंगे पानी गर्म होने के लिए, ताकि हम बाटियों को उबाल सकें। तो ये देखिए, बाटियाँ भी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और पानी में भी अच्छे से उबाल आ चुका है। तो हम इस तरह से इस एक एक करके सारी बाटियाँ इसमें डाल देंगे, यानी कि बाफले डाल देंगे इसमें। अब हम इसे बेलन की मदद से थोड़ा हिला देंगे, थोड़ी देर बाद हिलाना है, 2-4 मिनट बाद, और इसे धीमी आंच पर होने देंगे। तो चलिए, अब हम इधर तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह का
काट पीट के सब तैयार कर लिए हैं। यहाँ हमारी दाल भी अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। तो हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप दाल बाटी बनाते हैं। ये देखिए बाफले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, ऊपर आ जाते हैं तो ये पक जाते हैं और इनका साइज़ भी बढ़ जाता है। अब हम इन्हें निकाल कर एक तरफ रख देंगे ताकि सूख जाए, और दूसरी तरफ हम दाल को तड़का लगा लेंगे। हमें बाटियों को थोड़ा थोड़ा ही सुखाना है, ज़्यादा नहीं सुखाना है। तो चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं। तो तेल वगैरह डाल के, जीरा डाल के सब डाल देंगे बघार, और इस तरह से बढ़िया सा तड़का लगा लेंगे दाल को। फ्रेंड्स, हम तो इसी तरह से बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए थोड़ा सा हींग डालेंगे, हींग हमें बाद में ही डालना है क्योंकि हमारा हींग बहुत बारीक है। और ये देखिए यहाँ मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन और धनिया का कूटा हुआ, अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सबको। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे और डालेंगे हल्दी पाउडर। इस तरह की दाल आप पकाएं तो बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है। ये देखिए टमाटर भी डाल दिए हमने, थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकने देंगे। तो यहाँ देखिए सारे मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तब उसमें हम दाल डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल को। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारी दाल में। ये उबलने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी, अभी थोड़ी पतली पतली लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, क्योंकि टमाटर खट्टे हैं तो हम दाल बाटी में खट्टी मीठी सब्जी खाते हैं। अब हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए अब हम कुकर रख देते हैं बाटी सेकने के लिए। तो यहाँ कुकर मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, बाटी का ओवन, और उसमें बाटी रख देंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये पहला ब्लॉग टाइप का वीडियो है तो मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये देखिए 10-20 मिनट में हमारी बाटी सेक कर रेडी हो जाती है, दोनों तरफ से पलट पलट कर सेक लेते हैं। यहाँ दाल भी तैयार है हमारी, अब हम इसे घी लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसके अंदर भी घी डालते हैं लेकिन मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है तो मैं नहीं डाल सकती। और ये देखिए हमारा खाना बनकर रेडी हो चुका है। पतिदेव हमारे खा कर जा चुके हैं, बड़े बेटे का मैं खाना लगा रही हूँ दाल बाटी, और छोटा बेटा मेरा वीडियो बना रहा है तो ये उसका भी साइड में रखा है। आइए आप भी खा लीजिए दाल बाटी और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।